सुबह होने वाली है, तुम घर जाओ। और हाँ, हमने जैसा प्लान किया है ना, हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। नहीं, प्लान तो अच्छा है, पर तुम्हें भरोसा है कि ये काम करेगा? हाँ युवान, हमारे को हमसे ज्यादा हमारे दुश्मन के दिमाग पे भरोसा है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही बेचैन, मतलब हम सही जा रहे हैं। मैं यहाँ सिक्योरिटी बढ़वाता हूँ। युवान, क्या चाहिए? ये तारी रॉक स्टार वाली ट्रॉफी कर ले जाना। बस बस, ज्यादा परेशान ना हो, समुझे की कृपा से सब ठीक है। हाँ युवान बेटा, तो डॉक्टर ने बोल दिया है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज होके बन्नी घर आ जाएगी। हाँ पापा, पर बन्नी की इस हालत का मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ, बहुत गिल्टी फील करता हूँ मैं। ऐसी बात ना कर, इसमें तुम्हारी क्या गलती हुई है? हाँ युवान, खैर अब पापा दादू ये बात अपने आप तक रखेगा। संगीत से ही मेरी और बन्नी की कहानी की शुरुआत हुई थी ना, बस आज हम सारी पुरानी कहानियों का अंत करेंगे और आज हम देंगे जिंदगी को एक नई शुरुआत। आप यही सोच रही होंगी कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूं प्रणाजी जी। मैं जानता हूं कि माँ को आपने नहीं मारा है। बहुत कुछ तो याद नहीं मुझे, पर इतना जरूर याद है कि आप और माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कितनी मदद करती थी आप उनकी। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो किसी को नहीं पता और किसी को पता चलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उस अपराधी को इस बात का पता चला तो फिर वो रिपोर्ट्स के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर सकता है ना। बन्नी ने पहले से वो फिंगरप्रिंट्स की डिटेल्स फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज दी थी, तो आज रात उस फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट बन्नी को हॉस्पिटल में मिल जाएगी। वैसे उस अपराधी का पता बन्नी को रिपोर्ट से तो चल ही जाएगा, लेकिन बन्नी उस इंसान को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, इसीलिए तो कल कॉन्टेस्ट बीच में ही वो छोड़ के घर आ गई थी। मतलब आज रात को पता चल जाएगा कि अपराधी कौन है? हाँ, मतलब आज रात में असली अपराधी मिल जाएगा। गुड गुड गुड, वेरी गुड। हाँ, पर ये बात सिर्फ अपने आप तक रखेगा दादू, कहीं वो इंसान रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। युवान, मैं जरूरी काम के लिए बैंगलोर के लिए निकल रहा हूँ, तुम अपना और बन्नी का ख्याल रखना। हाँ युवान। हेलो बन्नी, घर पे सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आज रात तक तुम्हारे पास रिपोर्ट्स आ जाएंगे। अब हो ना हो ये इंसान अल्पना बुआ, वीर चाचू या वृंदा चाची में से कोई है। पापा और दादू तो नहीं होंगे, उन पे पूरा भरोसा है मुझे। शाबाश, तो अब तो हमारे प्लान का पहला हिस्सा सफल हो गया है। अच्छा, मैं बस कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से। ना ना युवान, बिल्कुल ना, तुम अठेना होगे, तुम वहीं रहो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। बिल्कुल नहीं बन्नी, तुम उस हॉस्पिटल में अकेले नहीं रह सकती, हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि वो इंसान कितना डेंजरस होगा। तुम अकेले नहीं रहोगे, आज हम मिलकर उस इंसान को पकड़ेंगे बन्नी। ना युवान, मैं बस अभी आ रहा हूँ और इस बात पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, प्लीज। युवान, आज एक बार फिर तुमने युवान के खातिर अपनी जिंदगी दांव पर रखा थी, और फिर एक बार तुम इसी बात पर मारे से नाराज होना है ना। सच कहूं तो नाराज होना चाहता था, पर नहीं हो पाया। आज युवान के लिए तुम्हारा प्यार देखे रियलाइज हुआ कि
बचपन में जो कहानी सुनते थे ना सावित्री सत्यवान वाली, जो नानी सुनाया करती थी, वो कहीं ना कहीं सच्ची था। ये एक औरत का प्यार ही हो सकता है जो जो अपने पति को मौत के मुंह से भी वापस ले। And trust me, बन्नी, I genuinely really hope कि तुम्हारा प्यार युवान को एक दिन ठीक कर दे, बाकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए बिल्कुल पहले जैसे। थैंक यू अगस्त्य। चूरमा ना बिना घी के कभी स्वाद ना देवे, ठीक वैसे ही अगर मारे पास थारा साथ ना होता तो मैं शायद आज अटे तक पहुंच ही ना पाती। थारा बहुत बहुत आभार अगस्त्य, बहुत आभार। कैसी बातें कर रही हो बन्नी, दोस्त होते किससे बन्नी, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। एनीवे मैं कॉन्सर्ट के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना। जानो, पर तुम अपना ख्याल रखना। तुम अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। मुझे उस आदमी के पहुंचने से पहले बन्नी के पास जाना होगा। डैम, इस टायर को भी अभी पंक्चर होना था। हे भगवान, नहीं युवान, जब तक मैं बन्नी से वो फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं ले लेता तब तक तो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दूंगा बेटा। हमारे को पूरा यकीन है कि वो जो भी अपराधी है ना, वो इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को हासिल करने जरूर आवेगा। टायर को भी अभी पंक्चर होना था, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। ये है फोरेंसिक रिपोर्ट। बन्नी, अब तक तो तुमने ये रिपोर्ट देखी ली होगी और तुम्हें मेरे राज का पता चल गया होगा।
बन्नी, मैं अपना सच किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आने दे सकता, इसीलिए तुम्हें ये दुनिया छोड़ के जाना होगा। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है बन्नी। I'm sorry बन्नी, I'm sorry। आपको यहाँ ध्यान रखने के लिए कहा गया था, कहाँ थे आप? क्या हो गया? बैठो बन्नी, क्या हो गया यहाँ पर? वो सब कुछ बता देना चाहती थी। क्यों 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 मुझे मजबूर किया बन्नी, क्यों मुझे मजबूर किया? सॉरी युवान, आई एम सॉरी युवान, मैं जानता हूं कि मेरा तरीका गलत था, पर बेटा मेरी नीयत एकदम साफ थी। पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं युवान, पापा तुझसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, पापा तुझे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकते युवान। लेकिन वो बन्नी मेरे पीछे पड़ गई है युवान, वो मुझे एक्सपोज करना चाहती है, तो मैं क्या करता? तुझे अपने से दूर जाने के डर से मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, और वो सब कुछ मेरे लिए सही है। बेटा तू बता, अगर वाकई पापा बुरे होते तू जिंदा नहीं होता युवान, तू कब का मर गया होता? लेकिन पापा ने अपने युवान को बावला बना के रखा, अपने पास रखा, ताकि पापा और युवान हमेशा साथ रहे, कभी एक दूसरे से दूर ना हो। सब कुछ एकदम सही जा रहा था, हम लोग एक हंसते खेलते परिवार की तरह रह सकते थे बन्नी। तुम बताओ युवान, तुम्हारी खातिर मैंने माननी को जेल भिजवा दिया क्योंकि उसने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की, तो अगर बन्नी मुझे मेरे बेटे से दूर करने की कोशिश करेगी तो उसकी सजा बन्नी को मिलेगी और मैं दूंगा सजा। गुड बन्नी, आज तुम काफी बेटर लग रही हो, फिर भी तुम्हें अभी रेस्ट देना होगा, अपने शरीर को भी और अपने दिमाग को भी। आज रात तक तुम्हें हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, कल सुबह तुम अपने घर जा सकती हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, वेलकम। थैंक यू। ये
युवान, जो कोई था वो डॉक्टर के भेस में आया था। उसका मकसद था ये रिपोर्ट हासिल करना। मतलब मेरा मतलब है, तुम ऐसे हिचक क्यों रही हो बन्नी? उस इंसान को जानती हो तुम? क्या तुम उस इंसान को जानती हो बन्नी? बन्नी, क्या तुम उस इंसान को जानती हो? बताओ ना बन्नी, क्या हम उस इंसान को जानते हैं? बोलो बन्नी, प्लीज बोलो, क्या तुम उस इंसान को जानती हो? कौन है वो? बताओ ना, कौन है वो इंसान बन्नी? बताओ ना प्लीज। पापा आए थे, मैंने भी जब उनका चेहरा देखा था तो मैं बिल्कुल यकीन ना कर पाई। सच्ची, बड़े इतने दिनों से हम जिस अपराधी को ढूंढ रहे थे वो पापा सही है, वो ही आए थे रिपोर्ट चुराने। क्या कहना क्या चाह रही हो बन्नी? तुम ये कह रही हो कि मेरे पापा मेरी मम्मी को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा मम्मी के साथ कभी ऐसा नहीं, कभी। इवान, मैं समझ सकती हूँ ये तेरे लिए कितना मुश्किल होगा, ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। तेरे अपने पापा सा है ये, पर मैं बस वही चेहरा बता रही हूँ जो मैंने देखा, जो रिपोर्ट चुराने हमारे को खत्म करने आए थे। हाय इवान। ये एक सेकंड बन्नी, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि पापा तो बैंगलोर के लिए निकल गए थे ना, वो यहाँ हॉस्पिटल कैसे आ सकते हैं? ये झूठ है, पापा नहीं हो सकते, वो तो बैंगलोर गए हैं, वो हॉस्पिटल में कैसे? वो भी तो एक झूठ हो सके ना। अच्छा, हो सकता है कि पापा हॉस्पिटल आए थे, ठीक है, हो सकता है कि पापा ने झूठ बोला, लेकिन लेकिन पापा को भी क्यूरियोसिटी होगी ना जानने की, वो रिपोर्ट देखने की, पता करने की कि मेरे माँ का कातिल कौन था। पापा थोड़ी थे, और वैसे भी यहाँ रात है बन्नी, अंधेरा हो गया होगा, तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा, तुम्हारे सर पे भी तो चोट लगी है, दवाइयाँ हैं, दवाइयों का असर हुआ होगा, गलतफहमी हो गई होगी तुम्हें, तो तुमने ढंग से देखा नहीं होगा, तो पापा थोड़ी हो सकते। युवान, अगर पापा साहब को रिपोर्ट देखनी होती ना तो वो सीधे सीधे आ जाते ना, से डॉक्टर के भेस में वो छिपा के क्यों आते? ऊपर से हमारे को कोई इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारे को जान से मारना चाह रहे थे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।